तुम्हारा ही सहारा है सहारा मेरे बाबा, शिरडी वाले शिरडी वाले। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 30, कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूँ राम गुप्ता। आज हम आपको शिरडी के साईं बाबा के महाग्रंथ का 30वां अध्याय आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, और आप लोगों के लिए बाबा से हम हर समय प्रार्थना करते हैं कि शिरडी के साईं बाबा आपके सारे कष्टों को दूर कर और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। मैं बाबा की द्वारका माई से बाबा से प्रार्थना करता हूं कि सभी भक्तों पे साईं अपनी अपार कृपा बनाए रखें। आप लोगों से बस मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप सभी इस कथा को सुनते हैं तो कृपया पूरा सुने, बीच में ना छोड़े, चूंकि ये बाबा के जीवन का चरित्र है। और बाबा का यह चरित्र हम बाबा को इसलिए सुना रहे हैं कि ताकि संसार में फैले इस महामारी का शिरडी के साईं बाबा नाश करे और सब पे अपनी अपार कृपा और कष्टों को दूर करे साईं बाबा, और सबकी पुकार सुने। मैं बाबा की द्वारका माई से यह कथा का सोपान कर रहा हूँ और बाबा को सुना रहा हूँ। आप लोग अधिक से अधिक लोगों में बाबा की इस कथा को प्रसारित करें ताकि सभी भक्त साईं के इस महाग्रंथ को समझ पाएं, और इस ग्रंथ को पढ़ने से बहुत ही लाभ होते हैं। अगर आप सभी इस ग्रंथ का साप्ताहिक पारायण करते हैं तो बाबा की ऐसी कृपा होगी कि आप हर समय बाबा के इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो साईं सचित के महाग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का बोलिए, सांचे दरबार की जय, शिरडी वाले साईं बाबा की जय। आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, या साईं जीवन माला के 92,650 सदस्य हो चुके हैं, बाबा का प्यार है कि बाबा के इस धाम के विकास के लिए भक्त जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से साधुवाद करूंगा और स्वागत करूंगा कि साईं बाबा उन सभी पे अपनी अपार कृपा बनाए रखें। और आप लोगों से एक आग्रह, और आप मेरे चैनल राम गुप्ता लव को सब्सक्राइब कीजिए साथ में, क्योंकि वो उसमें मैं कुछ अपना मतलब इसमें भक्ति मार्ग है उसमें कुछ अलग समझ चुके हैं, कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ। देखिए उसमें सिर्फ 201 लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब किया है। देखिए इसमें 92,600 सदस्य हैं, आप लोगों में से आधे ही अगर वो सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे कुछ मोटिवेटेड मिलेगा और मुझे प्रेरणा मिलेगी और भी वीडियोस बनाने के लिए बाबा की कृपा से। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सचित अध्याय 30। शिरडी को खींचे गए भक्त खुशाल चंद बम्बई के रामलाल पंजाबी। इस अध्याय में बतलाया गया है कि तीन अन्य भक्त किस प्रकार शिरडी की ओर आए थे। प्रकथन, जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेम वश ही जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण किया, और जो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भव सागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम सभी नमन करते हैं। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साईं जो संत शिरोमणि है उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है, जो उनके श्री चरणों की शरण में जाता है उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी को आते हैं और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते हैं। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री मेरे साईं नाथ कभी उनका प्रत्याग नहीं करेंगे। जिन पर वे कृपा करें उन्हें प्रचंड शक्ति नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि हे कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान ना देकर
हमें समस्त कष्टों से बचा लें और जो विपत्ति ग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साईं से प्रार्थना करता है उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हेमंड पंत भी कहते हैं कि हे मेरे साईं, तुम तो दया के सागर हो, यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज यह साईं सचरित भक्तों के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ जो ऐसा कठिन कार्य करने का तो साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तर द्वैत साईं ने अपने ऊपर ही ले लिया तो हेमंत पंत को तिल मात्र भी भार प्रतीत ना हुआ और ना ही उसके इसकी उन्हें चिंता ही हुई। श्री साईं ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे लिखी कथा कपोल कल्पित नहीं वरन विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदय गम करेगा उसे श्री साईं की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी, परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तर्क की नहीं वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साईं पद सेवक समझते हैं उन्हें ही यह कथाएँ रुचिकर तथा शिक्षा प्रद प्रतीत होगी। अन्य लोगों के लिए तो ये निरी कपोल कल्पनाएँ ही हैं। श्री साईं के अंतरंग भक्तों को श्री साईं लीला कल्पतरु के सदृश है। श्री साईं लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, गृहस्थ श्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा आते हैं। तो आपने देखा हेमंत पंत ने भी बताया है कि जो भक्त इसका श्रवण करेगा और खासकर बाबा की द्वारका माई में बैठकर, जब भी आप शिरडी जाते हैं तो बाबा की द्वारका माई में 5 मिनट बैठिए और बाबा को गायत्री मंत्र हो सके, जो आपको बनता हो, जो भी मंत्र आपको बनता हो जरूर सुनाए। यह बहुत ही आपके लिए शुभदायक प्रतीत होगा। और आप लोगों को बता दूं, हम यह कथा बाबा की द्वारका माई में श्री साईं बाबा सेवा आश्रम जो 1972 से स्थापित है, साईं की द्वारका माई से हम बाबा को सुना रहे हैं। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस कथा का आप श्रवण कर पा रहे हैं, क्योंकि यह कथा हम साईं को सुना रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं साईं। तो कहते हैं ना, जब साईं के प्रेम की वर्षा होती है तो सब उसमें भीग जाते हैं, यह उसी तरह है। तो आप भी बाबा की इस प्रेम की वर्षा में भीगे और अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें और लोगों में अधिक से अधिक बाबा के इस पावन चरित्र के कथा को शेयर करें, ताकि वह भी इसका पाठ करके, अब श्रवण करके अपने जीवन को कष्टों से दूर कर सके और निसहाय असहाय लोगों को भी इसे शेयर करें। जिनके पास अगर मोबाइल हो ना हो तो आप अगर आपके आसपास हैं तो उन्हें सुनाने की कोशिश करें, इससे आपका भी भला होगा। काका जी बैद जो थे नासिक जिले के वणी ग्राम में काका जी बैद नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तशृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचारने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा शिव ही हों। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक नासिक को गए और वहाँ 10 दिन
व्यतीत किए। वे प्रातः काल उठकर स्नान से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्वत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अतिरिक्त करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साईं समर्थ से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के दर्शन का लाभ उठाए। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं भगवान भी उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरेदिम्भ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर कौन दर्शन ले सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है और काका जी के संबंध में सचमुच में यही हुआ। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सचित अध्याय 30 की यह पावन कथा अभी जारी है, अगले वीडियो में इसे संपूर्ण करेंगे। आप बने रहें साई जीवनमाला के साथ और सभी साई भक्तों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सब पे अपनी अपार कृपा बनाए रखें और उनके कष्टों को दूर करें। ओम साईं राम।